आज करेला का स्टक बनाएंगे। उसके लिए ऐसा छोटा छोटा करेला लेते हैं। उसको भरने के लिए बुगरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, इसको मिक्सी में डाल के पाउडर कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए टमाटर, अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, अभी इस करेला को बीच से ऐसा काट लेते हैं। कई बार करेला में कीड़ा भी रहता है, वो देखना पड़ेगा। ऐसा काट के वो थोड़ा ऐसा देख लेते हैं। इस सब करेला को कुकर में डाल के एक ग्लास पानी डाल के थोड़ा नमक डालेंगे। अभी इसको कुकर ढक के एक विशिल लेंगे। करेला पक गया है, उसको अभी ऐसे निकाल के उसको गन पाउडर से भर लेंगे। जो पाउडर बना के रखा है ना, उस पाउडर से ऐसा भर लेते हैं सभी करेला को। देखिए इस तरह से। इसमें टूथपिक से उसका कटा हुआ बंद कर लेंगे, नहीं तो वो खुल जाता है। देखिए ऐसा। अभी इसको चोंक लगाएंगे। ऑयल डाल रही हूँ, हींग, जीरा, करी पत्ता डाल रही हूँ, टमाटो पेस्ट, अदरक मिर्ची टमाटो जो पेस्ट करके रखा था वो, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। सारे करेला को इसमें रख देते हैं। ग्रेवी थोड़ा उसके ऊपर भी ऐसा कोटिंग कर लेंगे। ढक के 3 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए करेला की सब्जी रेडी।